उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के दौलतपुर गांव की सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। अब इसका कारण क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यानी कि 24 जनवरी को सृष्टि को राज्य सरकार की ओर से उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया। उत्तराखंड की एक दिन की बाल मुख्यमंत्री बनकर विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली और उनका प्रस्तुतिकरण देखा। सृष्टि अपने 6 घंटे के कार्यकाल में पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई दिखी। मुख्यमंत्री के तौर पर सृष्टि ने करीब दर्जन भर विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की और पलायन को भी प्रदेश की मुख्य समस्या बताया। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सृष्टि से। नमस्कार, मैं सृष्टि उत्तराखंड राज्य के सम्मानित मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने बालिका दिवस के अवसर पर मुझे एक दिन के लिए समीक्षा बैठक लेने के लिए अवसर प्रदान किया। मैं उषा नेगी उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिका सशक्तिकरण का जो संदेश देश को दिया है। और इससे पूर्व भी गत वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कुमारी चांदनी, जो पहले भिक्षा मांगती थी और आज वह राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देहरादून में 11वीं कक्षा की छात्रा है, उसको मुख्य अतिथि के रूप में पिछले गत वर्ष सम्मानित किया गया था। इस प्रकार माननीय अध्यक्षा बालिकाओं को जिस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान कर रही है, उसके लिए सभी बालिकाओं की तरफ से उनका हृदय से आभार। मैं बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड बाल विधानसभा का गठन बाल संरक्षण आयोग के साथ मिलकर प्लान इंडिया तथा श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम द्वारा वर्ष 2014 में किया गया था। इस बाल विधानसभा में 70 विधानसभाओं से बाल विधायक चुन चुनकर आते हैं तथा इस विधानसभा में अब तक 4 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिनमें से 3 मुख्यमंत्री बालिकाएं थी। हमारी बाल विधानसभा में बराबर बालक बालिकाएं हैं, जिनको समान रूप से मौका दिया जाता है। मैं इसके लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग, प्लान इंडिया व श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर दें।